हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे रोजमेरी गार्लैंड थॉमसन के ऐसे इंटीग्रेटिंग डिसेबिलिटी ट्रांसफॉर्मिंग फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ऐसे है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. इसमें थॉमसन बोलते हैं कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे डिसेबिलिटी को एज अ कैटेगरी ऑफ एनालिसिस इन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फेमिनिस्ट थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा और डीप हो जाएगा. तो मतलब जो एक ब्रॉडन हो जाएगी टर्म जो कि है फेमिनिस्ट थ्योरी, ठीक है. उसके बाद वो बात करते हैं कि जो डिसेबिलिटी स्टडीज़ हैं वो एक जो आइडेंटिटी स्टडीज़ का एक पार्ट है, मतलब उसके अंदर वो आता है, जिसमें हम वेरियस ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, किसी को फेमिनिज्म के अंदर, किसी को लाइक यू नो क्वेयर स्टडीज़ के अंदर, या फिर एफ्रो अमेरिकन, या फिर जो भी एक आइडेंटिटी का जो स्टडीज़ है उसके अंदर ही हम डिसेबिलिटी स्टडीज़ की बात करते हैं. फिर उसके बाद बात की गई है कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता डिसेबिलिटी थ्योरी को और जो जो उसकी आइडेंटिटीज़ हैं. और ऐसा ही डिसेबिलिटी थ्योरी के साथ होता है कि जो डिसेबिलिटी थ्योरी है वो फेमिनिस्ट थ्योरी को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, जिसकी वजह से जो डिसेबिलिटी के आस्पेक्ट्स हैं फेमिनिज़म में वो ऐसे के ऐसे बिना डिस्कस करे रह जाते हैं. तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताई है कि जो फेमिनिस्ट इश्यूज़ हैं जो कि बहुत इंट्रिंसिकली इंटेंगल्ड हैं डिसेबिलिटी के साथ, जैसे कि रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हो गया, प्लेस ऑफ बॉडीली डिफरेंस, एथिक्स ऑफ केयर, जो ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं वो विदाउट रेफरेंस टू डिसेबिलिटी डिस्कस तो किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता डिसेबिलिटी के साथ. तो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंपेलिंग सा एक जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी है वो तभी बन पाएगा तब हम सारे जो डिफरेंसेस के एरिया हैं, जैसे कि रेस हो गया, एथनिसिटी हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, क्लास हो गया, जब हम सारे डिफरेंसेस को लेके चलेंगे तभी हम एक जो जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी का टॉपिक है उसे अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे. और अगर हम बात करें डिसेबिलिटी स्टडीज़ की, तो हमारे पास कोई आर्चिव्स या टेम्पलेट्स भी नहीं है उसको समझने के लिए. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कल्चरल ट्रॉप्स हैं या फिर जो हिस्टोरिकल कम्युनिटी है वहीं से एनालिसिस और जो नॉलेज है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जो कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो डिसेबिलिटी को छोड़ देती है और जो डिसेबिलिटी है वो फेमिनिज्म को डिस्कस नहीं करती. तो हमें क्या करना है कि दोनों थ्योरीज़ को साथ लेके आना है ताकि वो एक दूसरे से बेनिफिट ले सके और एक बहुत ही कंपैरेटिव और कॉन्करेंट सा एकेडमिक इंटरप्रिटेशन निकल के आ सके, जिससे कि हम डिसेबिलिटी को फेमिनिज्म के अंदर समझ सकें और फेमिनिज्म के अंदर डिसेबिलिटी को समझ सकें. तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझनी है. वो बोलते हैं कि फेमिनिज्म ने जो टर्म है विमेनली उसको बहुत ही ब्रॉड करके दिखा रखा है कि ठीक है विमेनली क्या होता है, विमेन होना क्या होता है. तो चीज़ों को बहुत अच्छे से बताते हैं कि सिर्फ आपके पास एक वुम है तो दैट डजंट डिफाइन कि यू आर अ विमेन. लेकिन क्या डिसेबिलिटी स्टडी ने भी वो डिसेबल जो टर्म है उसके साथ सेम चीज़ यू नो डिफाइन कर रखा है नहीं कर रखा, वी आर यू नो टॉकिंग अबाउट दैट. इसलिए जो एक इस चीज़ को यू नो एक ब्रॉड वे में डिस्कस करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, दैट इज़ फेमिनिस्ट डिसेबिलिटी थ्योरी. तो जो फेमिनिस्ट डिसेबिलिटी थ्योरी है उसका काम क्या है, उसका काम है अनमास्क करना और रीइमेजिन करना डिसेबिलिटी को. वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना कि हाँ बॉडीली वेरिएशन हो गया तो आप डिसेबल हो गए, उस चीज़ को छोड़ के एक रीइमेज हमें बनाना है डिसेबिलिटी का, नॉट ओनली फॉर द पीपल जो डिसेबल है बट फॉर एवरीवन, ठीक है. तो वो चीज़ हमें देखनी है. उसके बाद जो सिमी लिंटन है वो बोलते हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो एक तरह का प्रिज्म है जिससे हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है सोसाइटी का और जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसका. क्योंकि अगर हम लिमिटेड रहेंगे एक बॉडीली वेरिएशन के ऊपर तो हम समझ नहीं पाएंगे एक्चुअल में कि डिसेबिलिटी है क्या. इसलिए हमें जो फेमिनिस्ट थ्योरी है उसके साथ इसको मिलाना है ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि एक्चुअल में डिसेबिलिटी थ्योरी क्या है, उसको हम ब्रॉड वे में कैसे देख सकते हैं, ठीक है. तो डिसेबिलिटी लाइक जेंडर इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि प्रवेड करता है हमारे कल्चर में और जो एक तरीके का आइडियोलॉजी है ये, जो हमें हेल्प करेगा अपने आप को और दूसरों को उसके एक जो प्रिज्म है उसके थ्रू देखने में. तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जो फेमिनिस्ट डिसेबिलिटी थ्योरी है वो एक तरह का यूनिवर्सैलिटी को इंट्रोड्यूस करता है डिसेबिलिटी के, ना कि एक माइनॉरिटी व्यू को, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए ही वो उस चीज़ को लिमिटेड नहीं कर रहा है, बल्कि हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस कर रहा है कि एक्चुअल में डिसेबल होना क्या होता है. सिर्फ बॉडीली वेरिएशन से तुम डिसेबल नहीं हो जाओगे, एक जो विमेन है उसे भी डिसेबल की तरह देखा जाता है. तो आपको जो वो एक व्यू है वो देखना है कि कौन अपने आप को डिसेबिलिटी से एसोसिएट करता है, ये नहीं कि मैं किसको डिसेबल देखती हूँ, मैं खुद को कैसे डिसेबल देखती हूँ, आई हैव टू सी दैट. उसके बाद वो बात करते हैं एबिलिटी और डिसेबिलिटी सिस्टम के बारे में, कि जो डिसेबिलिटी है वो बहुत ही पर्वेसिव कल्चर सिस्टम है
जो कि स्टिग्मेटाइज कर देता है कि ठीक है आपके अंदर थोड़ा बॉडीली वेरिएशन है तो आप नॉर्मल नहीं है, ये हमारा नॉर्मल का स्टैंडर्ड है, इसमें फिट होगे तो यू आर एक नॉर्मल सा इंसान, वरना तुम अलग हो। तो वो जो अलग वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही एक अजीब चीज़ है कि आप एक हल्के से वेरिएशन के ऊपर आप उसको एक नॉर्मल के जो कि ना नॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया है उससे ही निकाल दे रहे हैं। तो डिसेबिलिटी को एक नॉर्मल स्टेट माना ही नहीं जाता है। तो उसके एस्पेक्ट बताए गए हैं कि चार एस्पेक्ट कौन से हैं डिसेबिलिटी के। तो जो पहला है वो है इंटीग्रेटिंग एंड डिसिप्लिनिंग बॉडीली वेरिएशन, कि जो आपके बॉडीली वेरिएशंस हैं उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है या फिर डिसिप्लिन किया जाता है। दूसरा चीज़ है रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, कि आपकी जो बॉडी है उसका एनवायरनमेंट के साथ कैसे एसोसिएशन है और उसको कैसे रिलेट करके देखा जाता है। तीसरा चीज़ है सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट प्रोड्यूस बोथ एबल एंड डिसेबल बॉडीज़, कि आपका जो क्या क्या आपके कल्चर में चीज़ें मानी जाती हैं या फिर व्हाट आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो डिफाइन करते हैं कि ये एबल है और तुम डिसेबल हो। लेट अस से कि पहले जो स्पीसीज थी हमारी वो ऐसा पूरा चार पैरों पे या फिर व्हाटएवर जो भी था तो चार पैरों पे से चलते थे, तो उस टाइम पे वो चीज़ नॉर्मल था, लेकिन आज कोई ऐसे चल रहा है तो उसको डिसेबल माना जाएगा। तो जो एक प्रैक्टिस होता है कल्चर का वो देखा जाता है कि आप डिसेबल हैं या एबल हैं। आप ऐसे नेचुरल स्टेट नहीं होता वो कि हाँ आप डिसेबल पैदा हो गए, आपका कल्चर कैसा है वहाँ पे अगर लोग दोनों पैरों से चलते हैं और आप एक से चल रहे हैं तो आपको एक यूनिक सा आपको एक डिसेबल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर वहाँ पे सारे लोग एक पैर से चल रहे हैं तो आपका भी एक है, दैट डजेंट मैटर। तो वो एक इन्वायरमेंट का आपके कल्चर का वो बहुत ही फ़र्क पड़ता है उस चीज़ पर। फोर्थ पॉइंट इज़ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी ऑफ एम्बॉडीड सेल्फ, कि वहाँ पे तरीका क्या है ये इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करने का आपके अंदर के, तो ये चीज़ आपको देख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल एंड इंटरप्रेटिंग डोमेन्स ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में। तो इसके चार डोमेन्स हैं। पहला है रिप्रेजेंटेशन, कि आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसके बाद बॉडी, फिर आइडेंटिटी और एक्टिविज़म, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात है रिप्रेजेंटेशन। तो एरिस्टोटल ने वुमेन के लिए क्या कहा था कि वुमेन है जो एक मॉन्स्ट्रस सा फॉर्म है, वो इम्प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो फेमिनिटी है उसको किससे एसोसिएट किया जाता है, डिसेबिलिटी से। तो आई विल टेल यू कि कैसे फेमिनिज्म और जो डिसेबिलिटी है उनको एक तरीके से देखा जाता है एसोसिएट करके, क्योंकि जो वुमेन है उसको भी डिपेंडेंट देखा जाता है कि वो डिपेंडेंट है, इनकम्प्लीट है, वनरेबल है, इनकम्पिटेंट बॉडीज़ हैं। ऐसा डिसेबल के साथ भी तो है, उनको भी देखा जाता है कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप इनकम्प्लीट हैं खुद में, आप वनरेबल हैं और इनकम्पिटेंट बॉडीज़ हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि है बॉडी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या एक मतलब एक यूनिवर्सल लेवल पर ही कुछ बॉडीली स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं कि भाई ये है नॉर्मल स्टेट, कुछ भी करो, सर्जरी करो, मेकअप करो, कैसे भी करो, बट तुम्हें ये जो नॉर्मल ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड है ना इसको फुलफ़िल करना है, अदरवाइज यू आर एबनॉर्मल। अब तुम्हारा आँख कैसा है या फिर आपका वट एवर योर बॉडीली पार्टस कि वो कैसा है उससे हमें मतलब नहीं है, वो स्ट्रेंज नहीं होना चाहिए। जो हमने सेट कर रखा है स्टैंडर्ड लाइक विच इज़ द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड फ्रॉम यू, अब आप उसे सर्जरी करवा के या फिर कैसे भी, बट यू हैव टू फिट इन टू दैट नॉर्मल और ब्यूटीफुल वाला क्राइटेरिया। तो जो मॉडिफाइड बॉडी है उसको कैसे भी मॉडिफाई करवा के, उसमें कुछ वेरिएशंस करवा के, वो जो एबनॉर्मल का टैग है वो हटवाइए और नॉर्मल के क्राइटेरिया में फिट हो जाइए। तो वो चीज़ बताई गई है। तो इन्होंने अपने ऐसे में बताया कि जैन 2000 में एक अवेयरनेस पोस्टर कैंपेन था द ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन का सैन फ्रांसिस्को में। तो उसमें एक जो वुमेन मॉडल थे उन्होंने डिस्प्ले किया था अपना मैसेक्टोमी जो स्कार से। तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वो चैलेंज करती हैं ओप्रेसिव रिप्रेजेंटेशनल प्रैक्टिसेस को। ऐसे फिर वो कोजॉइंट ट्विंस के बारे में बताती हैं कि कैसे जो कोजॉइंट ट्विंस होते हैं, ये हमने वो दतानी के प्ले था जो तारा उसमें भी देखा था कि वो एक बच्ची थी उसका एक पैर था एक उसके भाई का था, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। तो ठीक है, तो फिर उसमें शी हैव टू सेक्रीफाइस दैट एक पैर फॉर हर ब्रदर। तो ऐसे बताया गया है कि जो कोजॉइंट ट्विंस होते हैं उसमें भी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि जो दूसरे वाला है वो एक जो नॉर्मल का क्राइटेरिया है, ब्यूटी जो स्टैंडर्ड है, उसको फुलफ़िल कर सके। तो आपको ये देखना होगा कि कैसे एक जो बच्चा है उसको सेक्रीफाइस देना पड़ा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर कि हाँ आप उसमें नॉर्मल के क्राइटेरिया में सेट हो जाइए। तो वो जो नॉर्मल जो एक नॉर्मल का एक क्राइटेरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देखने के लिए कि आप किस चीज़ को नॉर्मल देखते हैं। तो ये चीज़। और नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी का।
आइडेंटिटी में क्या बोलते हैं कि जो थर्ड डोमेन है फेमिनिस्ट थ्योरी का, वो बताता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे लेके चलते हैं, कि जो डिसेबल वीमेन होती हैं वो तो अनअट्रैक्टिव होती हैं, अनफिट होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्शुअल होती हैं, तो इस तरीके का हमारा जो है वो आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। तो किस तरीके की आइडेंटिटीज़ लेके चली जाती हैं, और फिर बारबीज़ का रिप्रेजेंटेशन जो डिसेबिलिटी है उसके अंदर, क्योंकि जो पहले बारबी था उसको कैसा दिखाया जाता था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैरेक्टर है ना, ऐसा लंबे लंबे बाल हैं, टॉल एंड ऐसा पूरा एक स्टैंडर्ड के अंदर फिट। लेकिन अभी वी हैव बारबीज रिप्रेजेंटेटिंग दिस डिसेबिलिटी, तो ये चीज़। फिर जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ एक्टिविज़म, कि कौन कौन से मूवमेंट्स, मार्चेस, प्रोटेस्ट या फिर एक्टिविज़म हुआ है इन जो टर्म है डिसेबिलिटी उसको समझने के लिए, या फिर कौन से एक तरीके के लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हुए हैं, ताकि हम एक रीसिम्बलाइज कर सके डिसेबिलिटी को हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनके अंदर। तो जो इमेजेस हैं डिसेबल्ड फैशन मॉडल्स की, उनको दिखाया जाता है अभी, लाइक जो ब्लाइंड मॉडल्स हैं या फिर डिसेबल्ड वीमेन ऑन व्हील चेयर, तो इस तरीके से, ताकि जो डिसेबिलिटी है ना वो जेंडर और रेस की तरह, क्योंकि देखो डिसेबिलिटी जेंडर और रेस की तरह हर जगह है, तो वी हैव टू एक्नॉलेज दैट। जब कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्नॉलेज ही तो करना पड़ेगा ना, अगर आप उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं तो यू कांट सॉल्व दैट। तो द फर्स्ट टास्क टू इरेडिकेट सम प्रॉब्लम इज़ टू एक्नॉलेज दैट, कि हाँ ठीक है मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम है। अगर आप उस प्रॉब्लम को ही नहीं मान रहे फिर तो समस्या ही क्या है, फिर तो ना तो आप उसको सोचेंगे ना वो फिर ख़त्म होगा कभी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ प्रॉब्लम है एंड वी हैव टू सॉल्व दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।